हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मौसम बहुत अच्छा है, सो वी आर प्लानिंग टू गो आउट एंड हैव मैकडॉनल्ड्स। लेट्स गो। बादल चेक करें भाई, ये साइड पे भी भरे हुए थे लेकिन खाली हो गए हैं, और ये वाली साइड पे हैं। आज बारिश हुई है यार प्रॉपर दुबई में। अच्छा जी, हम लोग मैकडॉनल्ड्स पहुँच गए हैं। मैंने लिया है बीफ बर्गर, अभी जनाब चूज कर रहे हैं बर्गर। जनाब थिंक्स के बीफ बर्गर इज नॉट गुड। आवर ऑर्डर इज हियर। यम 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 माय बीफ बर्गर। देखो बीफ बर्गर की कितनी इज्जत होती है, ये चिकन बर्गर इसकी क्या रिस्पेक्ट है, इसको कितने अच्छे से बंद किया है। बर्गर, यस अ बर्गर फॉर यू। वेयर इज द टॉय? लेट्स आस्क देम। देयर इज नो टॉय इन इट। वील आस्क देम। वील आस्क देम। यम यम यम। Getting the macarons for Husna. Oh, we got the macarons. Shit, इसमें तो बाल है। अच्छा नहीं, बाल नहीं लाए ना। स्ट्रॉबेरी, सॉल्टेड कैरमल, चॉकलेट, वनीला। हुस्ना's favorite. For less brand, for less. So guys, we are done with eating. और अभी मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं, थोड़ी विंडो शॉपिंग करते हैं। पीछे ब्रांड्स फॉर लेस गुजरा है और उसके बाद होम, होम फॉर लेस। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। इस मॉल का क्या नाम है? सर्कल मॉल इन जेबीसी। ओके okay. अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं घर और उसने बोला कि मम्मी मुझे पहले लिफ्ट में जाना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न How to do it without even if you're not there. So वो अभी ऊपर चली गई है। Let's see कि क्या हालात है। हमारा 15th floor है और I just wanna see, रो तो नहीं दिख रही, फ्रीक आउट तो नहीं कर रही। Hi Husna, you're not freaking out? अच्छा, हम लोग आ गए हैं घर और it was a nice outing, मौसम अच्छा था और मज़ा आया। वैसे तो अगर हम दोपहर को जाते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि मौसम सारा दोपहर को ही अच्छा था। अब हो चुकी है रात, आप लोग देख सकते हैं खिड़की से बाहर भी, और मैं जाने लगी हूँ जिम। मैंने मटन निकाल के रखा था, मैं सोच रही थी मैं मटन बनाऊँगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं उसको मसाला लगा के रख दूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। पहले मैं जिम से होकर आ जाऊँ, फिर मैं इसको मसाला लगाऊँगी। और आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो यू गाइज सम शॉपिंग दैट आई डिड फ्रॉम शेन। तो मैं ज़रा जिम से वापस आऊँ, फिर मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी। थम्स अप। Till that time, subscribe to my channel also, okay guys? ये है मटन का शोल्डर, यम यम यम, और इसको हम मसाला लगाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल मैं इसको पानी में डिप करके रख देती हूँ ताकि इसके ऊपर से वो एक्स्ट्रा छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो होते रहें। I just realized कि मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं जिम आ रही हूँ। So I just stepped in, I got done with the cycling, and look at my hairstyle. If you guys want to work out, this is the most कम्फर्टेबल हेयर स्टाइल। पोनी बनाए और उसको फिर ब्रेड में कन्वर्ट कर लें। एंड दिस इज़ माई फेवरेट शर्ट। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये गिला है कि मैं जब भी घर पे होती हूँ आई वेयर दिस शर्ट, बट इट्स वन ऑफ दोज शर्ट्स जिनको पहन के मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करती हूँ। एंड एवरीबडी हैज़ दैट वन शर्ट जिसको जितना रगड़ो उतना कम लगता है। और ब्लॉग्स के लिए कपड़े चेंज करना इज़ नॉट माई थिंग। Anyways, I got done with the cycling. Now I'll do some treadmill पे running और फिर उसके बाद बाकी वेट लिफ्टिंग। Thumbs up. Let's do this. चलो ना, वर्कआउट हो गया गाइस। ये दाना यहाँ निकला हुआ था, इसको मैंने फाड़ दिया है। टू बैड। एनीवेज, घर आ गई हूँ, डिनर का मूड नहीं है क्योंकि मैंने नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी कर लिया था और उसके बाद मैंने लंच में भी एक बर्गर खा लिया था, ठीक है, और अभी डिनर का मूड नहीं है। लेकिन जो हमारा गोश्त है, ये मटन, इसको मैं मसाला लगा के रख दूँगी और इंशाल्लाह कल बनाऊँगी। सो आई विल जस्ट मसाला इट एंड बस दूध पी के आई विल स्लीप। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इस पे क्या मसाले लगा रही हूँ।
अच्छा मीट मैंने एक साइड कर दिया, ये दही है और इसमें जाएगा ये लहसुन, ठीक हो गया, नहीं ये क्या है, ये अदरक है, सॉरी जी सॉरी, मुझे लहसुन और अदरक में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, ख़त्म होने वाला है इसको मैं एक एक ज़र्रा निकालूंगी अम्मी की तरह। ये लहसुन आ गया, ठीक है, सॉल्ट डाल दें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ये अदरक का पाउडर इसमें जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये है ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा, रेड चिली, हल्दी, ये हमारी ब्लैक पेपर आ गई और थोड़ा सा सिनेमोन जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सिरका, बस आ गया इसमें ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं, आप अपना कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इस सारे को आप करें मिक्स। अच्छा इसमें अब आप अपना मटन डाल दें, ठीक है, मटन से यमी बनता है, कुछ लोग बीफ से भी बनाते हैं लेकिन बीफ की वाइब मटन से बहुत डिफरेंट है, लाइक बीफ भी अच्छा होता है बट मटन इज द बेस्ट। ओके जी, चम्मच से मिक्स नहीं होगा सही से, तो आपने अपना हाथ थोड़ा सा गंदा करने और कोशिश कीजिएगा पसीने वाला हाथ हो, क्योंकि असल टेस्ट जो है ना वो पसीने का ही होता है, सो जिम से आए तो हाथ धोए बगैर आप लोगों ने जो है ना इसको मिक्स करना है, मेक श्योर कि हाथ ना धुला हुआ, इट्स बेटर, माँ के हाथ का टेस्ट वही होता है ना, जो इसको भी आपने मतलब इस तरह करना है कि सही से प्रॉपर जो है ना आपकी बॉडी के सॉल्ट्स भी इसमें जाने चाहिए, इट्स ऑलवेज बेटर। अब इसको आप बंद करें और इसको रख दें फ्रिज में ओवरनाइट। आई एम डन, मसाला लगा लिए, अब आई एम हैविंग कोकोनट मिल्क विद कॉफी एंड हनी, परफेक्ट, सुपर यम्मी, द लेजेंड्स विल नो कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। क्या कर रही हैं आप? रोटी बना के दे रही हूँ एक तो इसने छापा मारा है, ठीक है, और ऊपर से ये मैडम आके अब रोटी बना रही है, वेरी नाइस, ताकि इन लोगों को नहीं, बच्चों को सिखा रही हूँ, बच्चों को रोटी, मुझे रोटी बनाने आती है लेकिन मुझे आटा नहीं गूंदना आता, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तो आज मुझे जो अक्सा है ना वो आटा बनाना सिखाएगी, बस रेसिपी आपने रिकॉर्ड कर ली, हाँ जी, हाँ जी, ऑयल भी डालेंगे, नमक भी डालेंगे, और क्या डालेंगे, नमक और नमक और ऑयल, और स्वादिष्ट आटा जो है सिंगर, अगर आपने स्पेशल रेसिपी, हाँ यस, अगर आपने पराठे बनाने हैं तो आपको ज्यादा ऑयल डालना है थोड़ा सा, ठीक है, रोटी जो है क्रिस्पी बनती है, ठीक है, नमक दें मुझे थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा नमक के सामने पड़ा हुआ है, जैसे बिस्किट वाला नहीं टेस्ट होता, ओके, थोड़ा सा वो आता है, जल्दी ना, सो मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स, यस, थोड़ा सा नमक डाल देंगे बस, ओके ओके, नाउ वी हैव टू हीट द वाटर, ये जी हमारा पानी चला गया, इधर इन लोगों की जो है ना अपनी कोई कहानियां चल रही हैं, इनकी अपनी कोई कहानियां चल रही, ये बाप रेसिपी रिकॉर्ड कर रही है ना, आपने भूलना नहीं है, आप नहीं कह सके, नहीं मुझे आटा नहीं आता, नहीं नहीं मैं नहीं कहूंगी फिर, ऑब्वियसली ये इसका क्या करें, इसको पकने दे अभी थोड़ा, ओके ढक्कन लगा रहे, हां डन हो गया, अभी मसाला बन के और थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना, फिर हमारा मसाला तैयार, डन हो गया, यार ये मक्खी किधर से आ गई है बदतमीज, काफी देर हो गई, मैं भी अभी देख रही हूँ। अच्छा मैंने आज बनाना था मटन रोस्ट, जिसकी मैंने आप लोगों को रेसिपी भी दिखाई, मैं हमेशा बनाती हूँ लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से इट वॉज नॉट वट आई वॉन्टेड, ठीक है, तो अभी हम लोग उसका कढ़ाई टाइप सालन बना रहे हैं ना, बीच में थोड़ा सा पानी डाल के हमने, मैं इसको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है, साथ में अक्सा आटा गूंद रही है, और आज हम पहली दफा अक्सा के हाथ की बनी हुई लजीज रोटियां खाएंगे, ठीक है, ये हमारा आटा गूंद रहा है, जिनकी जो थोड़ा सा पानी डाल के गूंद गया, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा, ये देखो साथ साथ इसको थोड़ा सा दो टाइप बना लेना है ना, थोड़ा सा नो वो पता चल जाता है हाथ को कि इतना हमें चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए,
और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको हम सूखा आटा कौन सा यूज करेंगे? वो नहीं है, नहीं है, ये आखिरी आटा है। मैंने तुम्हें जो पैकेट था वो पकड़ा है। ओह माय गॉड, मुझे बताओ तो सही। नहीं मुझे क्या पता, मैंने अभी बताया था अक्सर। लाओ इसको निकालो, इसको मैं कोई प्लेट देती हूँ। ये चेक कर लो, इसी में से आटा निकाल लिया क्योंकि रोटियां जो बेलनी है उसके लिए भी तो आटा। इतना मुझे पता था, देखो। हाँ, देखो। पता था तुम वैसे ही करती हो। हाँ, ताकि मुझे आटा ना भूलना पड़े। यही तो मेरा मसला। हाँ, इट्स इनफ। हाँ, बस इनफ, क्योंकि वो बस इतना ही चाहिए होता है ना कि वो चिपके नहीं बस। हाँ। अच्छा, ये हम लोगों का आटा हो गया माशाल्लाह, और ये हमारी पहली रोटी जाने लगी है मेरे छोटे से तवे पे। बहुत छोटा है और बहुत खराब हालत में, क्योंकि इसको मैंने बहुत मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल किया, रोटी के अलावा। ये चेक करें जी, पेड़े अक्सर इसको और भी छोटा नहीं करती? नहीं, आई थिंक इनफ होगा। ओके, शायद, पता नहीं मुझे, ये तो पेट का डाल के पता चलेगा। अभी समझ नहीं आ रही कैसे डलेगी अंदर, लेकिन ट्राई। ये पहली रोटी है जो मैं इतनी छोटी बना रही हूँ भी लाइफ में। ओके, नाइस, रिश्ता पक्का। पलटो ना, अभी नहीं पड़ता। सॉरी, नहीं है रुमाल। नहीं नहीं, इसको ना थोड़ा सा कच्ची कच्ची है ना, इसको पकाना है। नहीं है रुमाल, अक्सा रुमाल नहीं है। नहीं, टिश्यू दे दे, हो जाएगा। वेरी नाइस। ये देखिए जी, अक्सा की रोटियां, ये खराब रोटियां है। क्यों? नहीं पता क्या, ये छोटी बहुत रोटियां, तवा नहीं सही था। ओ यार, मेरी गलती है। नेक्स्ट टाइम अच्छा तवा होगा इंशाल्लाह। इंप्रेशन भी आ रहा है। और ये हम लोगों का मटन है। ओहो, धुएं निकाल था। चलो जी, इसको खाते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग बातों में लग गए, और उसके बाद रियलाइज ही नहीं हुआ कब टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। इतनी डीप कन्वर्सेशन, इतनी बातें चल रही थी। रिकॉर्ड करना तो खैर दिमाग में रहा ही नहीं मेरे, ऑनेस्टली। एनी वेज, आई होप यू ऑल इन्जॉयड दिस वीडियो जितने मैं बना सकी। आई विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली से ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।